हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भारती, वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं टॉपिक वाइज हम कवर का आता है आज ऐतिहासिक पत्र पत्रिका, और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो मैंने पहले अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। हेलो, हाय मोना। चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा नैमसेक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? नैमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन एक बार और कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा। नैमसेक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? नैमसेक पुस्तक के लेखक बेसिकली कौन है? नैमसेक आपको याद होगा ये पहला उपन्यास था। किसका उपन्यास था? द नैमसेक के नाम से आया हुआ था। ठीक है, द नैमसेक के नाम से आया हुआ था 2003 में, और ये झुम्पा लाहिड़ी का पहला उपन्यास हुआ करता था। झुम्पा लाहिड़ी को पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? बिल क्लिंटन है, बिल गेट्स है, विक्रम सेठ है और सलमान रुश्दी है। फटाफट बताइएगा। वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड अनुजा, नमस्ते, नमस्ते अनुभा, सॉरी नमस्ते, वेरी गुड। बताइए फटाफट, द रोड अहेड ये बुक किसने लिखी हुई है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स या फिर विक्रम सेठ और सलमान रुश्दी। तो मैं आपको बता दूं 1995 में ये बुक पब्लिश हुई थी, द रोड अहेड। और ये बुक किसने लिखी हुई है? ये बुक लिखी हुई है बिल गेट्स ने। द रोड अहेड बुक किसने लिखी हुई है? बिल गेट्स ने लिखी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानस के हंस ये जो बुक लिखी हुई है ये किसने लिखी हुई है? मानस के हंस के लेखक जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर और नन ऑफ दीज है। फटाफट बताइएगा, फटाफट फटाफट। राजेश, वेरी गुड, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। फटाफट 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 फटाफट। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, नन ऑफ दीज है। मानस के हंस नाम की जो बुक है वो किसने लिखी हुई है? तो आपको पता होगा अमृतलाल नागर ने लिखी हुई है मानस के हंस। और ये भी एक क्या है? ये भी एक उपन्यास है इनका। ठीक है, क्या है ये? उपन्यास है, तो याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत बहुत ही फेमस क्या है? भक्तिवादी कवि के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है, छायावादी कवि के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रगतिवादी कवि के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है, और वीर रस के रूप में। तो आपको सुमित्रा नंदन पंत की कुछ जो रचनाएं हैं, जैसे अपन एक बार पढ़ चुके हैं चिदम्बरा, ये उनकी रचना है। चिदम्बरा के अलावा उनकी एक रचना है लोकायतन, अगर आपने पढ़ी होगी। लोकायतन के बाद वीणा, युगवाणी, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। एक और उन्होंने भारत माता के ऊपर लिखी हुई थी, भारत माता ग्राम वासिनी, के गांव में रहती है भारत माता बेसिकली, तो ग्राम वासिनी। तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं हैं। एक और है बहुत ज़्यादा फेमस, अपन ने बचपन में पढ़ी हुई है, बूढ़ा चांद। ठीक है, अच्छा, तो किस टाइप की कवियत्री हैं ये सुमित्रा नंदन पंत आपके? तो छायावादी के हैं ये। ठीक है, प्रमुख कवियों से एक थे आपके छायावादी कवि के रूप में, वेरी गुड। अच्छा, डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक इसमें से कौन है? तो पीटर डोनेली, टिम ग्राहम, जूलिया डोनाल्डो एंड आपके एंड्रयू मॉर्टन। फटाफट बताइएगा। श्रेया, भानुप्रिया, वेरी गुड, अनुभा सही बता रहे हैं। राजेश प्लीज आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर 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 फटाफट फटाफट फटाफट। पीटर डोनेली, टिम ग्राहम, जूलिया डोनाल्डो या फिर एंड्रयू मॉर्टन। राइट आंसर इज व्हाट? जूलिया डोनाल्डो। ठीक है, जूलिया डोनाल्डो, ओके। हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज इसमें से कौन रहे हैं? हैरी पॉटर का जो उपन्यास था आपको याद होगा किसने लिखा था? जेके रॉलिंग ने लिखा था, अपन पहले पढ़ चुके हैं। किसने लिखा था ये आपका? जेके रॉलिंग का हैरी पॉटर नाम का जो उपन्यास है जिस पर मूवी बनी हुई है, उसमें आपको बताना है कि जो कार्नेलियस फज है वो इसमें से क्या रहे हैं। हैरी पॉटर के मित्र थे उस स्टोरी में, जादू का मंत्री थे, एक राजा थे, नन ऑफ दिस एबव। अब ये कोई ऐसी नहीं कि बहुत इंग्लैंड की पीएससी में क्वेश्चन आया हो, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, हमारे यहाँ आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जादू का मंत्री वो हुआ करते थे। ठीक है, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की सारी बुक है, मधु कलश है, मधुबाला है, मधुशाला। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है कि कब कौन सी लिखी गई है। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप सेट करिएगा फटाफट से। ठीक है, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट करिएगा मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला। फटाफट बताइएगा। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट फटाफट देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो बुक लिखी हुई है वो आपकी मधुशाला है। कब लिखी गई है आपको याद होगा, 1935 में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मधुबाला पूछे तो भैया 1936 में लिखी गई है, और जो मधु कलश नाम की बुक है वो 1937 में लिखी गई। तो 35, 36, 37 दैट इज 3, 2, 1। तो राइट आंसर इज व्हाट, सी ऑप्शन इज राइट, 3, 2, 1, ठीक है। पुस्तक कौन सी है, नाम क्या है, बुलेट फॉर बुलेट, माय लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर। तो अब आपको बताना है कि किसकी, केपीएस गिल। आपको नाम याद होगा, केपीएस गिल कौन है, आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, केपीएस गिल के बारे में बता रहा हूं। केपीएस गिल कौन है, आपके पंजाब से, जिन्होंने बहुत सारे टाइप का आतंकवाद और जो घुसपैठ होती थी पाकिस्तान की तरफ से पंजाब से, वो एकदम खत्म कर दी थी, ठीक है। और बड़े बड़े जो भी मतलब पाकिस्तान के साथ मिलके जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती थी वो सब खत्म कर दी थी केपीएस गिल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम सही आता है जूलियस रिबेरो, इनकी बुक है बुलेट फॉर बुलेट, माय लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। यस, जूलियट रिबेरो की आत्मकथा है। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये पुस्तक किसने लिखी हुई है, देवानंद ने, कल्पना चावला ने, अमिताभ बच्चन ने और अनुपम खेर ने। फटाफट बताइएगा। वेरी गुड अनुभा, श्रेया, भानुप्रिया, प्रवीण, वेरी गुड आरती। बताइए बताइए बताइए, राइट आंसर क्या होगा, रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। अब देखो, रोमांस से रिलेटेड बात कौन करता था, हम वही हैं, तुम जानते होगे, हमारे बारे में सुना जरूर होगा। बताइए, हिंट भी दे दी मैंने, इतनी सारी हिंट भी दे दी, अब तो बता दो। देवानंद, देवानंद इज द राइट आंसर, रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। गॉट इट, ऑटोबायोग्राफी। चलिए बताइएगा, 1 मिनट, वेट 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 वेट, 1 मिनट। यस, तो ये किसकी बुक है, रोमांसिंग विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, देवानंद की बुक है। चलिए नेक्स्ट बुक बताना है, बुक और उसके राइटर दिए हुए हैं, द स्ट्रगल इज माय लाइफ, लैक बालेसा, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, नेल्सन मंडेला, फ्रेंड्स एंड फोज, लियोनद बेजनेब, और आपके रीबर्थ, जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। चलिए अब बताइएगा फटाफट से, बताइए बताइए बताइए, फटाफट फटाफट। बताइए 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 बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज व्हाट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द स्ट्रगल इज माय लाइफ, ये अभी अपन ने पढ़ा है, नेल्सन मंडेला, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, ये किसकी है, लैक बालेसा की है। फ्रेंड्स एंड फोज किसकी बुक है, आपके शेख मुजीबुर रहमान की बुक है। और रीबर्थ किसकी बुक है, तो लियोनद ब्रेजनेव की बुक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर इनके राइटर हैं, प्राइज ऑफ पार्टीशन अब्दुल कलाम, आनंद मठ आरएसएस गिल, इंडिया 2020 रफीक जकारिया, और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए बताइए फटाफट से। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ओके, वेरी गुड इवनिंग। बताइए, प्राइज ऑफ पार्टीशन अब्दुल कलाम, आनंद मठ एसएस गिल, इंडिया 2020 रफीक जकारिया, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर, फटाफट फटाफट, व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। प्राइज ऑफ पार्टीशन आपके रफीक जकारिया, बहुत पहले से अपन ने पढ़ा था, शायद फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का उसमें आपने देखा होगा। एंड आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको बताने किसी को ज़रूरत नहीं थी। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम की है, एंड पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो बुक लिखी गई है वो एसएस गिल ने लिखी है, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्राइज एंड आपके ये, प्राइज ऑफ पार्टीशन अब्दुल कलाम, यूलिसिस एसएस गिल, इंडिया 2020 रफीक जकारिया, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जेम्स जॉयस और पीएन चोपड़ा। अब देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही चीज अलग है, फटाफट बताइएगा। अनुभा वेरी गुड, फटाफट बताइएगा राइट आंसर इसमें क्या होगा। फटाफट 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 राइट आंसर इसमें से क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा प्राइज ऑफ पार्टीशन, ठीक है, प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया है, ठीक है, वेरी गुड। यूलिसिस आपके कौन है, जेम्स जायज हैं। इंडिया 2020 आपके अब्दुल कलाम हैं एंड पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एसएस गिल देखा था। चलिए इसे बताइए कौन सा जो एक मैचिंग है वो करेक्ट होगी, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। फटाफट बताइएगा, एक चीज आपकी सही होगी, बाकी तीन ऑप्शंस रॉन्ग है, बताइए फटाफट। W.C. स्मिथ द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, पीटर हार्डी खिलाफा टू पार्टीशन, मोइन शकीर मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ठीक है, बताइए फटाफट 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 फटाफट। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसमें ओनली ये वाला जो है ना, खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ठीक है, खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, बस यही करेक्ट है, बाकी सारे के सारे रॉन्ग हैं। तो आप याद रखिएगा यही करेक्ट है, खालिद बी सईद। हार्ट ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी हुई है, हार्ट ऑफ इंडिया, फटाफट। खुशबंत सिंह, मार्क टुली, आर.के. नारायणन, अनीता देसाई। हार्ट ऑफ इंडिया, खुशबंत सिंह, मार्क टुली, आर.के. नारायणन, अनीता देसाई। हार्ट ऑफ इंडिया, खुशबंत सिंह, मार्क टुली, आर.के. नारायणन, अनीता देसाई। तो देखिए राइट आंसर इज व्हाट, मार्क टुली ने लिखी है हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यस, और ये बीबीसी के एडिटर रहे हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक इसमें से कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, तस्लीमा नसरीन, किरण बेदी, अरुंधति रॉय। देखिए लज्जा, अब जैसे आपको टॉपिक ही मिल गया ना, टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत आसानी समझ सकते हैं कि किसने लिखा होगा, बहुत इजीली, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के बारे में या जनरली किसी भी धर्म की महिलाओं के बारे में इसमें से कौन है जो लिखता रहता है, इसमें से कौन है जो लिखता रहता है, यस, बी ऑप्शन इज राइट, तस्लीमा नसरीन है जो ये सब लिखती रहती हैं, ठीक है। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम इसमें से क्या है, तो तमस, वाटर, लज्जा और फायर, ठीक है, तमस, वाटर, लज्जा और फायर, फटाफट बताइएगा। तमस, वाटर, लज्जा और फायर, फटाफट। सचिन वेरी गुड, बताइए बताइए बताइए। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं राइट आंसर इज व्हाट, लज्जा, अभी अपन ने देखा है। चलिए 1984 ये बुक किसने लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है, 1984 ये बुक किसने लिखी, आर.के. नारायणन, जॉर्ज ऑरवेल, खुशबंत सिंह और नन ऑफ दीज अबव, फटाफट। 1984 ये बुक किसने लिखी हुई है, 1984 ये बुक किसने लिखी हुई है, 1984 ये बुक किसने लिखी हुई है, तो भैया ये आपके 1984 के जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर लिखी गई है, और ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। किसने लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई है, ठीक है। अंग्रेजी उपन्यास जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसने लिखा हुआ है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसने लिखा हुआ है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा हुआ है, शोभा डे, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायणन और अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा हुआ है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा हुआ है आपके, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा हुआ है, अरुंधति रॉय, वेरी गुड। चलिए मृगनयनी के लेखक इसमें से कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। मृगनयनी के लेखक इसमें से कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। क्लियर नहीं दिख रहा है, ओहो अच्छा ये दिक्कत आ रही है, ओके चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट, वृंदावन लाल वर्मा। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती और मृगावती। ठीक है, इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती और मृगावती हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? हिंदी रचनाओं में से इसमें से पहले कौन सी लिखी गई है? ठीक है, देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मृगावती जो है वो सबसे पहले लिखी गई है और मृगावती का जो टाइम है ना वो कब है, 1503 में। अगर आपसे बात करें कोई पद्मावत कब लिखी गई है तो पद्मावती के बारे में आप बता सकते हैं, पद्मावत लिखी गई आपकी 1540 में। ठीक है, मधुमालती कब लिखी गई है तो आपकी लिखी गई है 1545 में, और इंद्रावती कब लिखी गई है तो 1743 में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब जो मृगावती है वो किसने लिखी है तो आपको पता होगा कुतुबन ने लिखी हुई है मृगावती। मधुमालती का राइटर इसमें से कौन है तो आपको याद होगा मंझन मधुमालती का राइटर है। पद्मावती का लेखक इसमें से कौन रहा है तो पद्मावती का भी आपको याद होगा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इंद्रावती जो कि नूर मोहम्मद ने लिखी है। इसने लिखी है नूर मोहम्मद ने, तो ये याद रखिएगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ये कल बताया था। इंडिया फ्रॉम करजन, सचिन जी राइट साइड पर 3 डॉट पर जाकर 240 कर दीजिए क्वालिटी, ओके ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक है, कुलदीप नैयर, दुर्गा दास, नीरज सिंह चौधरी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताइए इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है तो कौन है भैया, दुर्गा दास है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर कौन है, ये किसने लिखी हुई है, दुर्गा दास ने, तो अभी अपन ने देखा ही है। ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखा हुआ, वेरी गुड, एन इक्वल म्यूजिक, ये बुक किसकी है, शोभा डे, विक्रम सेठ, खुशबंत सिंह और अनीता देसाई। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, फटाफट फटाफट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर इज व्हाट, एन इक्वल म्यूजिक। किसकी बुक है ये, विक्रम सेठ की बुक है। बिखरे मोती किसकी बुक है, बिखरे मोती किसकी बुक है, आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की बुक है। ठीक है, ये अभी अपन ने जस्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। बिखरे मोती किसकी बुक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपको याद होगा ये 1932 में इनके द्वारा लिखी गई थी। और इसी के अलावा एक और इनकी बुक है, उसका नाम है उन्मादिनी। ठीक है, जो कि ठीक 2 साल के बाद 1934 में आई थी, उन्मादिनी। ठीक है, एक और इनकी बुक आई थी आपकी, आपको याद होगा सीधे सीधे चित्रा, वो कब आई थी, 1946 में आई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौकर की कमीज, ये किसने लिखी है, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ला, भवानी प्रसाद मिश्र और प्रभाकर माचवे। बताइएगा फटाफट से, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए राइट आंसर इज व्हाट, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, ओके। चलिए अब हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। नौकर की कमीज किसकी बुक है, विनोद कुमार शुक्ला की बुक है। बिखरे मोती किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, कब लिखी गई, 1932। उन्मादिनी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, कब लिखी गई, 1934। सीधे सीधे चित्रा किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, लिखी कब गई, 1946 में पब्लिश हुआ। ठीक है, इन इक्वल म्यूजिक किसकी बुक है, विक्रम सेठ की बुक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये बुक किसकी है, दुर्गा दास, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडिया फ्रॉम करजन टू द नेहरू एंड किसकी बुक है, दुर्गा दास की बुक है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कौन सी, मृगावती 1503 में लिखी गई है, कुतुबन इसका राइटर है। मधुमालती 1545 में लिखी गई है, मंझन इसका राइटर है। पद्मावती 1540 में लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइटर है। इंद्रावती 1743 में लिखी गई है, नूर मोहम्मद जो है वो इसके राइटर रहे हैं। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, वेरी गुड आरती, मोना एंड ऑल। मृगनयनी किसकी बुक है आपकी, वृंदावन लाल वर्मा की बुक है मृगनयनी। ठीक है, अंग्रेजी उपन्यास रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने लिखी, अरुंधति रॉय ने लिखी है। 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। तस्लीमा नसरीन के जो विवादास्पद उपन्यास है उसका नाम है लज्जा। लज्जा किसकी है, तस्लीमा नसरीन की। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क टुली। अच्छा यहाँ पर देखिएगा खालिद बी सईद नाम के एक हैं जिनकी बुक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, मतलब बन रहा है पाकिस्तान, तो ये जो खालिद बी सईद है ना उनकी बुक है ये, ठीक है। चलिए प्राइज ऑफ पार्टीशन बहुत बार पढ़ चुके हैं, रफीक जकारिया, यूलिसिस जेम्स जायस, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम एंड पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एसएस गिल की बुक है, ठीक है। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया, आनंद मठ बंकिम चंद चटर्जी बहुत सही, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम एंड पैथोलॉजी ऑफ करप्शन दैट इज एसएस गिल, ठीक है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी है, नेल्सन मंडेला की है। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ लोक लैक बालेसा, फ्रेंड्स एंड फोज शेख मुजीबुर रहमान और रीबर्थ किसकी है, लियोनिड ब्रेजनेव की बुक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बहुत सही है, ओके। देवानंद क्या बुक का नाम है, रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये देवानंद की बुक है। बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर ये किसकी बुक है, जूलियस रिबेरो की बुक है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, देखिए यहाँ पर तीन नाम है इनकी, अलग अलग तीन बुक्स आई हैं या जो भी रचनाएं हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका मधुशाला 1935, फिर मधुबाला 1936, फिर मधु कलश 1937। हैरी पॉटर किसने लिखी है, जेके रॉलिंग ने लिखी है, वेरी गुड। इसमें जादू का मंत्री कौन बना था, तो कॉर्नेलियस फज ये जादू के मंत्री बने हुए थे। डायना ट्रिब्यूट इसके लेखक कौन है, जूलिया डेलानो है। सुमित्रा नंदन पंत बहुत ही फेमस है, छायावाद की कवि रही हैं ये, ठीक है। छायावाद इनकी देखिए बहुत सारी बताई थी मैंने, बूढ़ा चांद, भारत माता, ग्रामवासिनी, चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, ये सारी इनकी बुक्स हैं। मानस के हंस ये किसकी है, अमृतलाल नागर की है, एक उपन्यास लिखा हुआ है ये मानस के हंस के नाम से। द रोड अहेड बिल गेट्स की है, 1995 में पब्लिश की गई थी। नेमसेक बुक है किसकी है, 2003 में आई थी, पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है, झुम्पा लाहिड़ी की है। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिड़ी, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको क्लास के टाइमिंग बता देता हूँ। देखिए गाइस मेरे अभी तो ये क्लास जो चल रही है जिसमें मैं आपको 4 PM पर मिलता हूँ डेली, ठीक है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। एंड इसके बाद जो मॉर्निंग में 7 AM पर मेरी क्लास है वो होती है आपकी MPGK की, ठीक है, MCQ सीरीज के साथ, और वो होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। गॉट इट। चलिए फटाफट से आपको प्लस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, 1 मिनट। चलिए देखिएगा मेरी मॉर्निंग क्लास डेली आपको मिल जाएगी, ठीक है। MPGK MCQ सीरीज फॉर MPPSC 2020 और 2021 के लिए है। 500 से ज़्यादा आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, जो फ्री प्लान है उसमें फ्री लाइव क्विज भी लगा सकते हैं, 20,000 ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वीकली मॉक टेस्ट भी आपको मिलते हैं। देखिए फ्री में आपको जो भी मिलेगा उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 8 PM पर आपको T20 सीरीज भी मिलती है, वीकली रिविजन टेस्ट सीरीज है आपकी किसकी, MPGK ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये। अच्छा ये फ्री प्लान को आपको लेने के लिए करना क्या होगा, पुनीत लाइव का इस्तेमाल करना है फॉर 10% ऑफ ऑन अमेजिंग अनअकैडमी प्लस। आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लास पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख सकते हैं। प्लस में डिफरेंट बैच कोर्सेज होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, एंड आपको किसी एक कोर्स को परचेज नहीं करना होता, आपको जस्ट सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पर आप पोल, कमेंट्स एंड क्विज के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर से ऑडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, डाउनलोड कर सकते हैं आप वीडियोस को, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, PDF नोट्स फॉर रिवीजन पर। देखिए एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग के साथ होगा, फाउंडेशन कोर्स होगा, 8 मंथ का होगा, 28 जुलाई से, ठीक है। एक 120 डेज का कोर्स है, GS कंप्लीट हो जाएगा 29 जुलाई से। NCRT का आज से ही स्टार्ट है, इसमें मेरी क्लास पॉलिटी की होगी, अभी होगी इवनिंग में 5 PM पर, ठीक है। चलिए ये 30 जुलाई से स्टार्ट है, पूरा NCRT कवर होगा आपका, बेसिक फंडा। विजय पथ MPPSC में GS2 पार्ट बी है, 31 जुलाई से स्टार्ट होगा, प्राइजेस हाइक होने वाला है गाइस। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज ही जबरदस्त तरीके से ले लीजिएगा, क्योंकि 12 मंथ का अगर आप लेते हैं ना तो 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 24 मंथ का लेंगे तो 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर MPPSC व्यापन सेलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का विंडो ओपन होगा, यहाँ पर पुनीत लाइव का इस्तेमाल कीजिएगा फॉर 10% ऑफ ऑन अमेजिंग अनअकैडमी प्लस, ठीक है, ओके। चलिए तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 5 PM पर पॉलिटी की।